एक वो बेस के उत्ते 1 लाख इनवैसटमेंट जी कैलकुलेट कर ली। हूँ आप टोटल करते हैं तो यहाँ टोटल बनता वा 1,75,000 880। ये जेकर आप माइनस कर दिए तो कैपिटल फंड जो बचता वा बैलेंस की फिगर 1,75,500 ये बच गया ताड़ा कैपिटल फंड बच गया 1,75,570। ठीक है ये तुहाडे कोल जिहड़ा वा कैपिटल फंड 790। 1,75,790 तुहाडे कोल कैपिटल फंड जिहड़ा वो बच गया। हुण पुत आ तुहाडे कोल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बन गया, तुहाडे कोल ओपनिंग बैलेंस शीट भी बन गई, तुसीं इंट्रस्ट भी कैलकुलेट करना सीख लिया। हुण इस तों बाद जिहड़ा काम आ उह हैगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। हुण क्लोजिंग बैलेंस शीट जिहड़ी आपां बनाउणी आ देखो बड़ी सौखी जी हो गई हूँ तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंसिस तुहानू सारे पता वा, तुसीं सिर्फ हुण बैलेंसिस जिहड़े उहनां जिहड़ा वा पुट ही करना वा। सब तो पहले तुहाडे कोल बैलेंस शीट बनाओगे तुसीं, कि बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट। सब तो पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट तो इधर आ गई लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स लाइबिलिटी साइड तो शुरू करते हैं। सब तो पहले लाइबिलिटी साइड के उत्ते वेखो तुसीं तुहाडे कोल की दिता वा लाइबिलिटी साइड के उत्ते, सब तो पहले तुहाडे कोल लाइबिलिटी साइड के उत्ते तुसीं सबसक्रिप्शन जिस तरह आपां ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंसिस जिहड़े सी उहदा यूज़ किया सी एडवांस का, तो इत्थे क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आपां एडवांस का यूज़ करांगे। सबसक्रिप्शन इन एडवांस किन्नी आ 110 रुपये। ठीक हो गया। उस तो बाद तुहाडे कोल कैपिटल फंड जिहड़ा निकलिया वा 1,75,790 रुपये प्लस सरप्लस जिहड़ा तुसीं कैलकुलेट किया सी 7,560। तुहाडे कोल कैपिटल फंड भी आ गया, तुहाडे कोल सरप्लस भी आ गया, तो तुसीं दोवां नूं ऐड किया तुहाडे कोल बन गया 1,83,350 रुपये। ठीक हो गया। उस तो बाद तुहाडे कोल एसेट साइड के उत्ते सब तो पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस तुहानूं वेखो दिता ही होया 2,460, आपां इत्थे लिख लैंदे 2,460। फिर उस तो बाद आपां तुरदे जांदे आ सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग किन्नी है तुहाडे कोल क्लोजिंग बैलेंस शीट दे हिसाब नाल आउटस्टैंडिंग 300 रुपया, तो आपां 300 रुपया इत्थे पा लैंदे आ। फिर सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की ट्रीटमेंट आपां कर ली, स्टॉक ऑफ मैडिसिन का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस शीट से ट्रीटमेंट, क्लोजिंग का क्लोजिंग जी साल के दौरान वो बेस से कंज्यूम करके आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट कर ली। मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। फिर आ गया इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस दिता है 32,700। आप इक्विपमेंट भी जी कैलकुलेट की सी, जे सानू ना दिता होंदा तो आप फिर बैलेंस जिहड़ा वा डेप्रीसीएशन माइनस करन तो बाद कैलकुलेट आप करना सी। हुण तुहानू बिल्डिंग का भी क्लोजिंग बैलेंस दिता वा तुहानू 38,000। फिर तुसीं एक इनवैसटमेंट कैलकुलेट कीती सी, किन्नी कैलकुलेट कीती सी 1,00,000। साल के दौरान जिहड़ा इंट्रस्ट लिया ओपनिंग इनवैसटमेंट ते 1,00,000 ते लिया होना वा, ओपनिंग च 1,00,000 आ गया, साल दौरान उत्ते इनवैसटमेंट जिहड़ी आ उह आउट्स उहदे उत्ते इंट्रस्ट 8,000 आपां रिसीव कर लिया, ते क्लोजिंग च भी कोई नवीं नहीं सी खरीदी, ते किन्ने दी रहि गई फिर तुहाडे कोल 1,00,000 दी, 1,00,000 ही जिहड़ी आ उह रहि जांदी आ। उस तो बाद जेकर वो हुण आपां इहनां दा बैलेंस शीट दा टोटल करिए तो तुहाडे कोल टोटल जिहड़ा बनदा वा
इधर बनिया 1,83,460 तो यह टोटल कर लें आप 1,83,460 तो जे अपने दोवें बैलेंसिस मिल गए तो मतलब सम जिहड़ा साडा उह ठीक आ। तो आपां कीता की आ, सब तो पहले आपां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट च एक पॉइंट आया सी इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला, उह कीता। इस सम च तुहानूं क्लोजिंग बैलेंसिस दित्ते सी, ओपनिंग बैलेंसिस दित्ते सी, ओपनिंग नूं ओपनिंग बैलेंस शीट च लै लिया, क्लोजिंग नूं क्लोजिंग च लै लिया। जो साल दे दौरान एडजस्टमेंट कीती उह कर ली। इंट्रस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बेस से इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन की, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट से भी आनी है, इंट्रस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, क्लोजिंग बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आना। फिर आप ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाई तो क्लोजिंग बैलेंस शीट्स भी जड़िया वा उन्हों बनाया। तो यह बुत एक सम जोड़ा वा वो है वा, यह भी सम जो इंपोर्टेंट आप कह सकते हैं। इस तरह सम भी तुम जो आ सकता है।